यही चाहते थे आप? क्या मुंसर के बाद अब जाफर की बारी है? मुंसर की मुजाहिदात का अजर जाय मत करो। मुंसर इस मैदान का हरीफ नहीं था, मुझे इस मैदान में जाना चाहिए था, मुंसर को नहीं। मुझे अफसोस है जनाब खलीफा, मुंजर ने जवां मर्दी के साथ जंग लड़ी, खुदा उसे गरी की रहमत करे। मुझे रुख्सत दीजिए ताकि मैदान में जाऊं इंतकाम के लिए। नहीं बिन मती, जो मुझसे लड़े। कौन हो तुम? मुंह क्यों छुपाया हुआ है? नुमैर के बच्चे, भेज अगर कोई मर्द है तेरे पास। मैंने पूछा कौन हो? जंग के मैदान में तलवार की ताकत बंदे की पहचान होती है। लश्कर के सबसे खतरनाक आदमी को सामने भेज, फिर तुझे बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसका जवाब दो। तब हूं, मुझे यही अल शाम का कातिल कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे क्यों जहमत दी दे? बोल, कैसे मारूं तुझे? तुझे तो मैं एक मुट्ठी में ही मसल दूंगा। कितने में किया? हुकूमत इराक के बदले आले जुबैर धोखेबाज हैं, वादा पूरा नहीं करेंगे। हमारी तरफ आ जाओ, मैं वादा करता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के हजूर सिफारिश करके तुम्हें इराक की अमारत दिलवा दूंगा। आज के लिए इतनी जंग काफी है, जंगबंदी का सूर फूंका जाए और जनाजों को मैदान से उठा लिया जाए।
तुम्हारे हाथों को चूम लूंगा। जाफर, मुंजर के जनाजे को जमीन से उठा लो। मसाब, दुश्मन की जानिब से गाफिल मत होना, इस जंग बंदी के धोखे में मत आना। तुम लोग, जंग अब शुरू हुई है। इब्ने नुमैर पीछे हटने के लिए मक्का तक नहीं आया है। أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. लाश को औरतों के दरमियान ले जाओ ताकि मर्दों में न आ जाए और मुल्क सुकून से रो सके। और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, लाश को ज्यादा देर रखना मकरूह है। मुझे अपने गम में शरीक जानी है। मुंजर ने गरत मंदाना जंग लड़ी, जवां मर्दी का मुजाहरा किया। खुदा उसे गरीक रहमत करे। खुदाबंद आपके मुर्दगान की भी बख्शिश फरमाए इंशाअल्लाह। तुम्हारी जाबाजी ने हमें तसल्ली खातिर बख्शी है। जो कुछ मैंने तुम्हारी दिलेरी और तलवार की गरज के बारे में सुना था, बेशक वो अफसाना नहीं था। मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मुख्तार बवक्ते पेकार एक मौजजागर है जो है कहार। बेशक यदुल्लाही का लकब तुम्हारी शाया निशान है। शुक्रिया।
تمہارے بجلی کے سے حملوں کی وجہ سے چند دنوں تک شامیوں کو خوف و آراز گھیرے رہے گی. تمہارے خیال سے یہ لوگ کب تک جنگ بندی کو جا